che faccia che ho fatto nello specchio di quest'altro te. Perciò, caro. सोफिया कॉलेज में दो दिवसीय रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड डाटा एनालिसिस यूजिंग डाटा माइनिंग टूल्स विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला कंप्यूटर साइंस विभाग द्वारा आयोजित की गई कार्यशाला का शुभारंभ कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर पर्ल मुख्य अतिथि प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी द्वारा प्रार्थना और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस मौके पर अतिथियों को पौधे भेंट किए गए। गौतम चतुर्वेदी ने कार्यशाला की जानकारी देते हुए बताया कि यह विषय वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिक है। इस कार्यशाला से विद्यार्थी अपने शोध कार्य में बेहतर लेखन कर सकते हैं। हमारे सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर में 2 डेज का नेशनल वर्कशॉप हो रहा है, जिसका टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड डेटा एनालिसिस यूजिंग डेटा माइनिंग टूल्स। इस वर्कशॉप के अंतर्गत हम फैकल्टीज़ को, रिसर्च स्कॉलर्स को और पीजी स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी और डेटा माइनिंग टेक्निक्स के बारे में बताएंगे, जो रिसर्च में और फर्दर उनके स्टडीज़ में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वर्कशॉप के इनॉग्रेशन के लिए NIT जालंधर के डायरेक्टर प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी आ रहे हैं, जो कीनोट स्पीकर हैं, और रिसोर्स पर्सन्स गांधीनगर KSV यूनिवर्सिटी के डीन एंड डायरेक्टर हैं प्रोफेसर NN जानी, एंड बरेली से डॉक्टर रमेश प्रसाद अहिरवाल आ रहे हैं अपने डेटा माइनिंग टेक्निक्स में टूल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, और वेका और मशीन लर्निंग के बारे में बताएंगे प्रोफेसर सुमित श्रीवास्तव, वो मणिपाल से आएंगे। तो इस वर्कशॉप के वजह से हमारे रिसर्च कॉलेज फैकल्टीज़ और इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, PG कॉलेजेस के स्टूडेंट्स सभी को बेनिफिट होगा। इस वर्कशॉप के अंदर 50 पार्टिसिपेंट्स हैं। इस अच्छे इनिशिएटिव को पहले सम्मान करता हूँ। ये वर्कशॉप से जो फैकल्टी है और स्टूडेंट हैं, उनको अप्लाइड रिसर्च कैसे किया जाए और आज के दिन इस रिसर्च में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी और टूल्स अवेलेबल है, उसका वो यूज़ कर सके, इस तरह का ये वर्कशॉप है। मैं समझता हूँ इस वर्कशॉप से इस रिसर्च को अप्लाइड एंड क्वालिटी रिसर्च करने के लिए और उसके इनिशिएशन में बहुत ही शानदार सपोर्ट। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शक तरोताज़ा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।